देवभूमि के नाम से जाने जाने वाले हिमाचल में मौजूद मंदिर खुद के भीतर कई ऐतिहासिक और रहस्यमयी घटनाएं समेटे हुए हैं। मंदिरों के निर्माण को लेकर जुड़ी कई दंत कथाएं हों या फिर निर्माण में इस्तेमाल की गई बेहतरीन कारीगरी, हर किसी शख्स को अपनी ओर आकर्षित करती है। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मंदिरों से जुड़ी इस तरह की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। वैसे तो शिव शक्ति के कई अनोखे मंदिर हैं, पर हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के छतराड़ी में स्थित माँ शिव शक्ति का मंदिर ऐसा है जो कभी एक स्तंभ पर घूमता था। यह मंदिर लगभग 1400 साल पुराना है, यानी 7वीं शताब्दी का है। यह एक इकलौता ऐसा मंदिर है जिसका प्रवेश द्वार पूर्व दिशा की ओर नहीं बल्कि पश्चिम दिशा में है। यहाँ शक्ति माता के दर्शनों के लिए देश भर से श्रद्धालु आते हैं। इस मंदिर के निर्माण से संबंधित कई तरह की कथाएं जुड़ी हुई हैं। छतराड़ी में स्थित माँ शिव शक्ति मंदिर का निर्माण गुग्गा मिस्त्री द्वारा करीब 780 ईस्वी में किया गया था। कहा जाता है कि गुग्गा मिस्त्री का एक ही हाथ था। इसके संबंध में कहानी प्रचलित है कि छतराड़ी मंदिर बनाने से पहले गुग्गा मिस्त्री ने चंबा के राजा मेरुवर्मन का अद्भुत व सुंदर महल बनाया था। उस महल को बनाने के बाद उसका एक हाथ काट दिया गया था। इससे दुखी होकर जब वह चंबा से लौट रहा था तो उसे रास्ते में छतराड़ी में अंधेरा हो गया, जिस पर उसने वहीं पर रात गुजारने का निर्णय लिया। इसी रात उसके सपने में माँ शिव शक्ति आई, जिन्होंने उसे मंदिर निर्माण का आदेश दिया। गुग्गा मिस्त्री ने माँ से कहा कि उसका एक ही हाथ है। इस पर माँ ने उसे शक्ति प्रदान की, जिसकी मदद से उसने ऐसा मंदिर बनाया। मंदिर के मुख्य द्वार के पश्चिम दिशा में होने पर भी एक पौराणिक कथा है जिसके अनुसार गुग्गा मिस्त्री ने एक स्तंभ पर घूमने वाले मंदिर का निर्माण करवाया, लेकिन इस दौरान उसे मंदिर के द्वार को लेकर असमंजस था, जिस पर माता ने उसे आदेश दिया कि मंदिर को घुमाया जाए और जिस दिशा में मंदिर का दरवाजा रुक जाएगा उसे वहीं पर स्थापित कर देना। जब मंदिर को घुमाया गया तो उसका दरवाजा पश्चिम दिशा की ओर रुका, जिसे माता का आदेश मानकर उसी स्थान पर स्थापित कर दिया गया। इस मंदिर के निर्माण में लकड़ी का इस्तेमाल किया गया है। मंदिर में लकड़ी पर बहुत सुंदर नक्काशी की गई है जो कि श्रद्धालुओं का ध्यान आकर्षित करती है। इसके अलावा मंदिर में जंगली बकरों की सींग भी मिलते हैं। यह सभी सींग उन बकरों के हैं जिनकी बलि माँ शक्ति को चढ़ाई गई है। मंदिरों से जुड़ी ऐसी ही और जानकारी के लिए भक्तिमय चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। जय शिव शक्ति।